जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है ग्रह प्रवेश। मित्रों, अगर आप जल्दी ग्रह प्रवेश करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं ग्रह प्रवेश से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। मित्रों, घर चाहे स्वयं का बनाया हो या फिर किराए का, जब हम ग्रह प्रवेश करते हैं तो नई आशा, नए सपने, नई उमंग और स्वाभाविक रूप से मन में हिलोर लेती है। नया घर हमारे लिए मंगलमय हो, प्रगतिकारक हो, यश हो, सुख समृद्धि और सौभाग्य की सौगात दे, यही कामना होती है। मित्रों आइए जानते हैं 20 ऐसी जरूरी बातें जो आपको नए घर में प्रवेश के बाद याद रखनी चाहिए। वो क्या है, कौन सी है, आइए जानें। मित्रों, सबसे पहले ग्रह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र का ध्यान में रखते हुए ग्रह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। एक विद्वान ब्राह्मण वेद पाठी की सहायता लें और विधि पूर्वक मंत्रों उच्चारण कर ग्रह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करता है। मित्रों, दूसरा, माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह और ग्रह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष इसके लिहाज में शुभ नहीं माने गए हैं। मित्रों, मंगलवार के दिन भी ग्रह प्रवेश नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी ग्रह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में भी किसी भी दिन ग्रह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। मित्रों, पूजन सामग्री में कलश, नारियल, दीपक, फूल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध इत्यादि होती है। मंगल कलश के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। मित्रों, कलश में नारियल पर कुमकुम से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। मित्रों, भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को ग्रह प्रवेश वाले दिन घर पर ले जाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर और स्त्री बायां पैर बढ़ाकर अपने नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर में ईशान कोण में पूजा, फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। मित्रों, रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। मित्रों, रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उफानना चाहिए। मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। मित्रों, गौ माता, कौवा, कुत्ता, चिंटी आदि के नियमित भोजन निकालकर रखें। मित्रों, ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। इससे घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है व हर प्रकार के दोष व वास्तु दोष दूर होते हैं। मित्रों, ये थी नए घर में प्रवेश की कुछ विशेष जानकारी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।